बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, नाइन्थ क्लास उर्दू का लेक्चर नंबर 12। हम लेसन पढ़ रहे हैं इम्तहान, जिसमें बड़े मज़ाहिया अंदाज में मुसन्निफ़ इम्तहान के बारे में बता रहे हैं। मुसन्निफ़ घर वालों को ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं कि मैं तैयार नहीं हूँ, लेकिन उनके घर वाले जो हैं वो ये चाहते हैं कि दिया जाए इम्तहान। वालिद साहब कहते हैं कि भाई इम्तहान में ज़रूर शरीक हो जाओ। मर्द बाइत के हर आसाना शोत, कि जो मर्द होता है वो हालात से ज़रा भी हरासान नहीं होता, खौफज़दा नहीं होता। मैंने भी तकदीर और तदबीर पर एक छोटा सा लेक्चर देकर साबित कर दिया कि तदबीर कोई चीज़ नहीं है, आप जो कोशिश करते हैं ये कुछ भी नहीं है। जो तकदीर यानी कुदरत की तरफ से जो लिखा हो, तमाम दुनिया के काम उसी से चलते हैं। खैर, किस्सा मुख्तसर, दरख्वास्त शिरकत दी गई, मंजूर हो गई और एक दिन वो आया कि हम हाल टिकट लिए हुए मकाम इम्तहान में पहुँच ही गए, यानी वो जो हाल जहाँ पर देना था इम्तहान, रोल नंबर स्लिप हमारे पास थी और हम जनाब वहाँ पर पहुँच गए। अब मुसन्निफ़ कहते हैं कि मुझे कामयाबी की कतन कोई उम्मीद नहीं थी। अब उम्मीद थी तो उसमें दो तीन चीज़ें थी। पहली बात थी इमदाद गायबी, दूसरे पर्चों की उल्ट पे। अब इमदाद गायबी से मुराद है कि किसी की बाहर से की मदद कर दे, आप को कोई पर्ची बना के बाहर से दे दे, या कोई निगरान जो है वो आपको मौके पे कोई किताब वगैरह दे दे। पर्चों की उल्ट फेर से मुराद मुसन्निफ ये लेते हैं कि वो जो मुलाजमीन होते हैं वहाँ पे, उनसे कहकर किसी और जो लायक तालब इलम है उनसे अपना पर्चा जो है वो तब्दील करा दिया जाए। तो इस तरह ये मेरे करीब कुछ कामयाबी की सूरतें थी, वरना तैयारी तो मेरी थी कोई नहीं बिल्कुल। खैर, मुसन्निफ़ कहते हैं खैर आमदन बरसरे मतलब फारसी के अल्फाज हैं कि हम अपने असल मतलब की तरफ, असल बात की तरफ। पौने 10 बजे घंटी बजी और हम बिस्मिल्लाह कहकर इम्तहान के कमरे में दाखिल हुए। यहाँ एक बहुत खलीक इखलाक वाले रंस मुख यानी जिनके चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट निगरान कार थी, मुझे जगह नहीं मिलती। मैं उनसे कहा वो मेरे साथ हो, लेकिन जगह बताई और बड़ी देर तक हंस हंस कर बातें करते। मैं समझा चलो बड़ा पार है, अभी ये बंदा ठीक है, ये मेरे काम आएगा, मैं इसे कोई पैसों का लालच दे के या किसी तरीके से जो है वो कोई मामला अपना ठीक कर लूँ। ठीक 10 बजे कहते हैं जी घंटी बजी, पर्चा तकसीम हुआ, मैंने देखा ऊपर से लेकर नीचे तक पड़ा, कोई समझ नहीं आई। दायर पड़ा हुआ कुछ भी नहीं था, समझ क्या बात आनी थी। इवन यहाँ तक कि मुझे ये भी ना पता चला कि पर्चा किस चीज़ का है। हाँ, मैंने आसपास से सुना जी पर्चा बड़ा मुश्किल है। जवाबात की कापी देखी, इसके आहार में हदायात पड़ी, सब अव्वल की खाना पूरी किए, खड़ा हो गया गार्ड साहब हॉरन है। मैंने उनसे कहा कि जनाब ये पर्चा किस मसनून का। वो मुस्कुराए, ज़ुबान तो कुछ थे तो कुछ ना बोले, मगर पर्चे को अनुमान पर उंगली रख ली कि जनाब ये इस चीज़ का पर्चा है। इस वक्त मुझे मालूम हुआ कि उसूल कानून का पर्चा है। अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि तालिबे इल्म की तैयारी क्या थी, कि उसे पता ही नहीं कि पर्चा किस चीज़ का है। अब जब ये पता चला कि उसूल कानून का पर्चा है, तो हमारा दिल खुल गया कि भाई एक जो मुकन्नन कानून बनाने वाला एक कायम करता है तो दूसरा उसे तोड़ देता है, तो हम तो अपनी राय लिखेंगे। अब ज़रा इधर उधर गर्दन फेरी मैंने देखने के लिए, तो गार्ड साहब जो ऊपर थे उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया मेरी तैयारी का क्या आलम है। उन्होंने कहा जनाब अपने पर्चे पर, जब दूसरों से मदद मिलने की तवक्को मुनक़ता होगी, ख़त्म होगी, तो मैंने दिल में सोचा चलो इन गार्ड साहब से ही पूछें। खड़ा हो गया वह, मैंने दरियाफ़्त किया कि जनाब इस दूसरे सवाल का क्या जवाब है। और मुस्कुराए कहा कि मुझे मालूम है। अब इस तरह के मामलात में वो साहिब जो पहले तो बड़ा मुस्कुरा रहे थे, अब
मेरे ऊपर बिल्कुल खड़े हो गए, जैसे कोई सुतून होता है। मुझे उनसे इतनी तिली नफरत हुई कि आज तक जिंदगी भर किसी से नहीं। अब एक और मुसीबत यह थी कि वालदे मोहतरम बाहर आके बैठ जाते थे, वरना मेरा बस चलता, मैं तो आधे घंटे बाद ही बाहर निकल जाता। लेकिन अब वालिद साहब को दिखाने के लिए कि मेरी तैयारी सही है, मैं बहुत लिखता हूँ, मजबूरन वक्त पूरा करके उठना पड़ता था। अब मैं अगर जल्दी बाहर आ जाता तो वो रोब दबदबा जो मैंने 2 साल के वो सब खत्म हो जाता। इसलिए कह रहे दरवेश भर जाने दरवेश, फारसी के अल्फाज हैं, कि जो दरवेश होता है वो किसी को तो कुछ नहीं कह सकता, अपनी जान पे ही जो वो सहता है, अपने आप को ही तकलीफ देकर अपने आप पे ही जुल्म करके वो सारे मामलात को दुरुस्त करता है। आखिरी वक्त तक बैठता। अब मुझे कामयाबी की उम्मीद जो है वो सिर्फ इस बात पर थी कि जनाब शायद कोई मुमतहन जो है वो काम आ जाए। अब बाकी तो सारे मामलात खत्म हो चुके। अब वालदे मोहतरम से कहा तो उन्होंने जनाब एक चिट्ठी लगवाई किसी के लिए, सिफारिश की। अब उनके पास गए तो उन्होंने इस तरह बातचीत की, जब उनसे कहा गया कि जनाब कुछ कोशिश आप करें, तो उल्टा उन्होंने कहा कि भाई कोशिश मैं क्या करूँगा, कोशिश तो आप अपने बेटे से कहें कि वो करे। इस तरह मामलात बड़े ख़राब हो गए। नतीजा शाया हुआ तो मैं इंतहाई बुरे अंदाज में फेल हुआ। अब चंद एक नंबर आए, बाकी सब ने तो सिफर ला दिया। वालदे मोहतरम जानते थे उनके करीब मैंने बहुत मेहनत की है, तो उन्होंने ये राय दी कि भाई ये किसी चपरासी ने ज़रूर बददियानती की है, इसलिए जो है वो मामला ख़राब हो गया है, वरना तैयारी तो तुम्हारी अच्छी थी। मेरी अश्क शोई की यानी मेरे आंसू पूछे और फरमाया बेटा घबराने की कोई बात नहीं, इस साल नहीं तो आइंदा साल से आखिर कब तक बेईमानी होगी, एक दिन तो आएगा जब ईमानदारी का बोलबाला होगा। अब असल में उन्हें मेरा तो पता नहीं था कि मैं ज़रा बराबर भी कोशिश नहीं कर रहा। तो कहने लगे 100 दिन चोर के तो एक दिन शाक, शाक मालिक को कहते हैं कि जो कब तक चोरी। खैर जो कुछ हुआ सो हुआ, 1 साल की मुझे फुर्सत और मिल गई। हजीसल भाई लेसन आपका खत्म हुआ, आप इसका खुलासा तैयार करेंगे और इसके साथ उर्दू बी का जो आपका कवायद इंशा से काम है वो ये है कि आप एक मुकालमा तैयार करेंगे। वो मुकालमा है दुकानदार और गाह के दरमियान जो मुकालमा। तो इस तरह हजीसल भाई आपका लेक्चर नंबर 12 इख्तिताम पज़ीर हुआ, जिसमें आप इम्तहान का खुलासा और इसके साथ जो है वो दुकानदार और ख़रीदार के दरमियान जो है वो एक मुकालमा तैयार करेंगे। अल्लाह हाफिज़।